लेकिन अल्लाह हमें आजमाते हैं, वो आजमाने के लिए ये इंटेलिजेंट एनर्जी है समझा, क्योंकि वो आपको ये याद दिलाता है कि हम आपके वजूद में मौजूद हैं, हम आपके साथ हैं। आप देखो दूसरों को हील करते हैं, हीलिंग दूसरों की हो रही है, इलाज हो रहे हैं दूसरों के, तो आपकी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपसे एनर्जी आते हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके जरिए रिसीवर आप है ना, अल्लाह अल्लाह जो ना आपको बेचते हैं, आप रिसीव करते हैं और फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। सही बात है ना? ये बात तो ट्रू है। साइंटिफिकली भी हम एनर्जी लेते रहते हैं और दीन के हवाले से भी आप देखें, तो फिर अगर दूसरे लोग क्योर हो रहे, ठीक हो रहे, तो आपने तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना। लेकिन लेकिन आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे इंशाल्लाह आप बिल्कुल एक चंद दिन आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ले। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं थोड़े, लेकिन जब थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं वो एकदम उनके वो जो है जो बॉडी जो ना बिल्कुल क्लीन हो जाते। वैसा आप में कुछ तब्दीलियां तो जरूर होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा। हाँ, मेरे में तब्दीलियां तो बहुत आई हैं। मसलन क्या क्या आई है? हाँ, मसलन ये कि मेरी सदर की नमाज अक्सर छूट जाती होती थी। अब नमाज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। एक तो ये कामयाबी है और ये कि मैं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाया करता था। हाँ हाँ, तो अब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ये मैं आपको एक बात कहूँ कि गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। गुस्सा इंसान की शख्सियत और जिंदगी को बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, रिश्ते खराब होना शुरू, बिजनेस खराब होना शुरू हो जाते हैं और वो नस्ल दर नस्ल। ये बड़ी अचीवमेंट है ये पहले तो नमाज का, फिर दूसरा ये जो आपके गुस्से का है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अच्छा, तीसरा आपके बता रही थी कुछ, तीसरा वो मेरे पास एक बहुत ही खराब केस आया था, किसी को बहुत डीप डिप्रेशन में खातून पहुंच गई थी ना, तो डॉक्टर से उसका इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट में आपको बात बता रही हूँ। सही सही सही। तो सिर्फ 5 दिन की ट्रीटमेंट से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह का शुक्र है, ये देखें बड़ी बात है ना। तो समदा काम कर रहे हैं, सबसे पहले खूबियां बयान किया करो, अच्छाया बयान किया करो, ठीक है? देखिए सबसे पहले जब भी आप गुफ्तगू स्टार्ट करती है तो सबसे पहले क्योंकि अल्लाह के इंसान अल्लाह के अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह की बहुत प्यार करते हैं अल्लाह उनसे ना, तो सबसे पहले उनमें जो खूबियां हैं तारीफ करें उनकी जरूरी है। फिर बाद में जब आप उनके तारीफ करके बाद में खामियां उनके खुद नजर आएंगे, वो खुद अपने में तब्दीली ला सकेंगे। और इस तरह समदा का भी कभी भी किसी भी वक्त जब भी जिक्र करती हो समदा के बारे में, जब भी बात करती हो, तो सबसे पहले क्या क्या करो, उनके जो आप में जो तब्दीलियां आई है ये सबसे पहले फ्रंट पे रखे और फिर उसके बाद जो है ना जो नई आई है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से आएंगी। और आपने लेवल 1 से 4 की है? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात। बहुत सेम बात की है, जो वेव है वो बहुत नजर आती है। क्या क्या नजर आते हैं? वेव यानी लहरें जो जी, बहुत माशाल्लाह नजर आती है अपने आस पास। कितने बड़े अचीवमेंट है आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो की प्रॉब्लम होती है जिनको, या जिनको दिमाग वगैरह का मसला होता है। मैं देखती हूँ कुछ मिस्ट के फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में, उनकी उनमें से कुछ निकल रह जा रहा है ना। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपके तो अगर आप मैं जब भी आप करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सबकी मुरसम मुझे तेज एनर्जी की जरूरत है, आप मुझे हमेशा सेंड करते हैं वो एनर्जी ना। बिल्कुल अचीव करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सेंड करता रहूंगा इंशाल्लाह।
और फिर मुझे मैं आर्थराइटिस हो रही हूँ, मुझे मेरे जो संदा जो है वो बड़ी स्लो असर करती है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन हमारा संदा है बहुत ही इफेक्टिव जी, बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। अल्लाह आपको और खुशियाँ और ताकतें दें। दूसरे कॉल्स होल्ड पे हैं, वरना आपसे बहुत सी गुफ्तगू करनी थी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। इस तरह कॉल करते रहें और इंशाल्लाह हम बहुत ही, और सबसे पहले याद रखना है पॉजिटिविटी में हम बात किए थे पिछले प्रोग्राम्स में, पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बात, यानी आप जब भी बात करते हैं सबसे पहले समुदाय की खूबियों को बयान करो, वो जब आप खूबियाँ बयान करते हैं आदमी अच्छाया और बढ़ जाते हैं, फिर बाद में जो नहीं हो रहा होता है उसका सवाल करें कि ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, ये बड़ा अच्छा होता है। तो मुस्बत सोच, मुस्बत रवैया बड़ी ज़रूरी है। अब ये इनके जो कॉलर थी, ये कितने ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस, दुनिया का बेहतरीन ईजाद है, जो उनके नमाज अल्लाह ने उनके सही के नमाज उनके बेहतरी आप हो गए, रेगुलर हो गए, उनके जो है ना गुस्सा बुरी चीज़ है वो ठीक हो गई। वो एक कॉल होल्ड पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी इकरा, आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती है? मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने समझा अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 128 और SMS 142 किया हुआ है, और मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी कि जब से मैंने समझा किया हुआ है मेरे में मतलब इतना चेंज आया है ना, कि हर मतलब होता था कि पहले कभी किसी काम में भी मतलब होता था नेगेटिव थिंकिंग जरूर, लेकिन जब से मैंने समझा किया मेरे मायने नहीं आता की जरूरी नहीं हर काम नेगेटिव सोचा जाए या नेगेटिव मैं सोचती। उसके बाद ये मैंने 5 to 8 जो है वो मैंने अपने पापा के लिए किया था कि उनकी शुगर का प्रॉब्लम था, और मामा को उनके लिए किया था, उनका हेपेटाइटिस है लगवा, तो मैंने उनके लिए किया। पापा को जिस दिन मैं समझा 5 करके आई ना, उस दिन उनकी ड्राइव जो है मेडिसिन वो भी ठीक हो गई थी, तो उस दिन मैंने उनको आके हीलिंग दी है। सुबह जब वो उठे हैं उनकी उस रात मेडिसिन भी स्किप हो गई उनकी, शुगर तब से लेके उस दिन तक इतनी नॉर्मल शुगर उनकी हुई जिस दिन मैंने की है जितनी तब हो गई थी, उनकी शुगर कभी नॉर्मल नहीं थी हुई। बहुत अच्छा, आप तो पूरा फैमिली थे इकरा, मैंने पहचान लिया आपको। जी कैसे हैं प्यारे, अच्छे हो, खैरियत है, सब ठीक है? खालिद साहब आपकी अम्मी आयशा सब ठीक है? जी मुझे इंशाल्लाह मेरा सलाम सबको कहना, और बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत नाइस है, और हमें बहुत आप लोगों ने इज्जत दी है, हमें हम भूलने वाले नहीं है, तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त, और अल्लाह आपको और ताकत है और आपके इलम में अता फरमाए और ज्यादा, इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करते रहेंगे और दूसरों की भी इंशाल्लाह आप इलाज करती रहेगी ना? आमीन जी, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह दूसरों का भी करूंगी। और इस दफा इंशाल्लाह 20 को हम आ रहे हैं लाहौर, 20 तारीख को लाहौर, आप लोग या लाहौर आए हैं या फिर आप पिंडी भी आ सकते हैं, आप लोग पिंडी 6 तारीख को है, 6 फरवरी को जी, आप लोग पिंडी भी आ सकते हैं किसी भी, इस दफा मिलेंगे आएंगे ना जी इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल, मिलने आए जरूर आए जी। और मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मेरी जो आपकी है सिस्टर अमेरिका में रहती हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी आई थिंक वो भी 6 मंथ्स की भी नहीं है, तो अर्शिफा उसका नाम है, वो जो है मतलब सोती नहीं थी, कल अभी मेरी रात को उनसे बात हो रही थी, पापा की बात हो रही थी, वो बता रही थी कि ना रात को सोती है, अभी भी सारी रात सोई नहीं, अभी भी उठी हुई है, मैं उसको सुला रही हूँ, वो सो नहीं रही। मुझे पापा ने बताया, मैंने कहा चले आप देखे, उनको बोले सिर्फ 5 मिनट आपको ना वेट करें तो सो जाएगी अभी। मैंने उसको SMS से मैसेज किया कि तुम सो जाओ, अच्छा सो जाओ, और उसके बाद मैंने उसको संदा सुख से हीलिंग दी, और वो 5 मिनट आई थिंक पूरे 5 मिनट भी नीचे हुए, और वो अर्शफा मतलब उन्होंने सोते बाद बताया कि हाँ ये तो सो गई है वाकई। और एक रहा आप तो फिर बड़ी वो बन गई ना, खतरनाक बन गई फिर तो,
आपने मैसेज करके और उनको इस तरह के किया, बहुत बहुत जबरदस्त एचएमएफ, या इसका मतलब एचएमएफ बेहतरीन काम कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपने कॉल की है, मेरे सलाम सबको कहना। दूसरे कॉल्स होल्डते हैं, वरना आपसे बहुत आपसे बात करने थे। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर या लाहौर या इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए और ये अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाएं और अपने औलाद अपने बच्चों की जिस तरह इकरा थी, उनके वालिदैन उनसे इतना प्यार करते हैं कि मैं समझता हूं कि कोई भी वालिदैन किसी से अगर प्यार करते हैं तो अगर औलाद से प्यार करते हैं तो वो जिल सेंसेस को ज़रूर उनको लानी चाहिए अपने बच्चों को और उनको करानी चाहिए। और आप यकीन माने ये दोनों माँ बाप ने सबसे पहले क्या किए, कुछ माँ बाप होते हैं जो सबसे पहले अपने को आगे रखते हैं फिर वो बच्चों को, कुछ होता है कट्ठे तो, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये लोग बेचारे इन्होंने चार लेवल तक किए और फिर बच्चों को सबको करा के अपने औलाद को आगे कर दे, क्योंकि वो समझ गए थे कि हमारे दुनिया में तब्दीलियां आ रही, जिस तरह ये बच्ची बता रही थी कि तब्दीली ये हर घर हर इंसान पे ये फ़र्ज़ है कि अपने औलाद अपने बच्चों को बेहतरीन लाने के लिए बहुत सी तरीके और है, लेकिन समदा और एचएमएफ जैसे प्रैक्टिकल तरीके ये दुनिया में कहीं आपको अटेनमेंट इस चीज़ के नहीं मिलते हैं। इस वजह से जिल साइंसेस को ज्वाइन करेंगे तो ये आपको अल्लाह ताला ने हमें एक जरिया बना के और इस पे किए, और आप प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, मसलन आप क्लिनिक बना सकते हैं, आप बहुत सारे चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं इसमें।